के पापा रेडी होने लग रहे हैं। प्रेस वगैरह मैंने सारे कपड़ों पहन के कर दी है और अभी कोट की तह बनाएंगे। पता नहीं किस तरीके से तह बनाते हैं, देखिए जी किस तरह से तह बना रहे हैं। कोट की उल्टा कर दिया है पूरा और पॉलिथीन में रख देंगे। बस अभी इसको फोल्ड कर दिया है। पेंट पैंट इन्होंने पहन लिया है, बस कोट कोट पहनेंगे शादी में जाकर। कर रहे हो छोटू इंजीनियर? छोटे इंजीनियर आप क्या कर रहे हो बेटा? आप कटवे से लगा रहा कटवे लगाते रह जाओगे। आपके पापा शादी में चले जाएंगे बारात में। देखो बारात में जा रहे हैं बेटा आपके पापा। तो बाय बाय कन्नू। जी ठीक आप है जाइए और अपना अच्छे से एंजॉय करना अपनी और पार्टी में, जल्दी आ जाते हैं और और हमारा भी ध्यान रखना। मुझे रात को सर्दी लगेगी तो मैं इसको ऐसे और लूंगा। और अभी फिलहाल सर्दी नहीं हो रही तो ऐसे कर लेता हूँ। मेरा बस वो कहाँ तो पे प्रेस करा के जाओगे, कहाँ पे प्रेस करा के लाओगे? ये इसको झूठ भगा के जाते हैं, हमेशा ऐसे ही जाते हैं और ये भगाए में आ जाता है जी। देखिए अपनी डिग्गी में अपने कपड़े रख लिए हैं, अब ये जा रहे हैं अपने मामा जी की शादी, मामा जी के लड़के की शादी में, क्योंकि बार बार उनके फोन आ रहे हैं अनुज भैया के, अरुण भैया के, तो बोल रहे हैं कि शादी में आ जाओ जल्दी से और हम आपके बिना नहीं जाएंगे, तो दूल्हे राजा ही बोल रहे हैं। बाय बाय दोस्तों। हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और इसी आशा के साथ करते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत। आज सुबह 4 बजे से उठकर और मम्मी के और दीदी के बिना मेरा काम है ना बहुत मुश्किल हो गया था सुबह से करना, तो लेकिन फिर भी मैंने फटाफट फटाफट 4 बजे से उठ के पहले तो भाई साहब का पहले झाड़ू लगाई सारी जगह पे, और फिर भाई साहब का खाना बनाया, और उसके बाद फिर मैं चले गए थे, फिर किचन वगैरह साफ किया और फिर विभोर गया उसके लिए भी खाना बनाया। तो सबसे पहले मैंने की इस कमरे से शुरुआत आज काम करने की। तो ये दिखा देते हैं आपको दीदी वाला कमरा, ये उनका बेड है, और पहले मैंने इनकी बेडशीट सही की थी क्योंकि भाई साहब यहाँ पे लेटे हुए थे, और फिर इस कमरे में झाड़ू वगैरह लगाई और फिर पोछा लगाया इसमें, और फिर मैंने इनके बाहर यहाँ पे भी झाड़ू लगाई है, पोछा लगाया है अच्छे से। और ये जो हमारी ग्यास ग्यास माता होती है, ये ना स्नान वाले दिन ही इनको लीपा जाता है, सुबह 4 बजे उठ करके इस इनको लीप देंगे। फिर मैं गई अपने कमरे में क्योंकि कन्नू है ना लेट उठा था थोड़ा सा, तो मेरा सारा काम जब तक हो गया था। तो फिर पिताजी को मैंने, जैसे मैं सुबह 4 बजे उठी थी तो पिताजी को देखा मैंने बैठक में कि उठ रहे हैं, तो पिताजी को बोला कि पिताजी प्लीज़ आप है ना कन्नू के पास लेट जाइए, और पिताजी आकर के इसके पास लेट गए। आज माँ वाला काम जो है वो पिताजी ने किया है, बखूबी अच्छी तरीके से निभाया है, और मैंने पिताजी को निप्पल ला करके दे दिया था दूध का भर के, और पिताजी ने उसको कन्नू को पिला दिया थोड़ा थोड़ा करके। तो सारा तो नहीं पिला पाए पिताजी, जिस तरह माँ पिला देती है, माँ की कमी तो खैर कोई पूरी नहीं कर सकता। रात को भी ये याद करते, माँ मुझे छोड़ के चली गई, माँ मामा जी के यहाँ पे रह गई, और माँ को इसने बहुत मिस किया है, इतना मिस किया है जितना मुझे भी नहीं करता ये शायद। तो ये देखें मैंने फिर इस वाले कमरे में भी साफ़ सफाई की, और फिर इस वाले कमरे में से बेडशीट वगैरह उठा करके दूसरी जगह पर रखी कन्नू की, और फिर बरामदे में पोछा लगा। फिर मैं इस वाले कमरे में आ गई थी क्योंकि इस वाले कमरे में भी हमें साफ़ सफाई करनी थी, और जो भी बोर्ड था इस चारपाई पे लेटा हुआ था, मैंने उसके कपड़े उठा करके इधर लगा दिए। ये जो माँ वाले कमरे थे, माँ वाले जो ये माँ वाले कपड़े थे उसने अपने नीचे बिछा रखे थे, और फिर मैंने सारी जगह झाड़ू पोछा करने के बाद में फिर मैं नहाने के लिए गई, और फिर मैंने उसके बाद पूजा की है, और खाना वाना तो मैंने बना दिया है, बस कन्नू के पापा के लिए रोटी बनानी बाकी रह गई है, उनको चाय बना करके दे दी है। वे दीदी के यहाँ से आ गए शादी में से, रात वे शादी में ही रहे हैं, शाम के टाइम चले गए थे और सारी रात वे शादी में ही रहे हैं। और देखे जी कन्नू को मैंने यहाँ पे भी झाड़ू वगैरह और पानी वानी डाल दिया था, और पानी डालने के बाद में देखे कन्नू को, कन्नू कैसे नहीं नहीं कर रहा है। अभी सर्दी होने लग गया है फिर भी मानता नहीं है ये बिल्कुल भी। और फिर मैं इस वाले साइड में आ गई थी, बैठक वाली साइड में, और पिताजी तो उधर लेटे हुए थे, फिर मैंने बैठक में काम किया है। तो जी देखिए हमारे फूलों के छोटे से बगीचे में कितना अच्छा फूल खिल गया है, और ये छोटू सा फूल भी खिला हुआ है इसके पास में, और नीचे से देखिए ये पौधा मोल रहा है नीचे से। अभी मुझे कन्नू को उसमें से निकालना है ज़बरदस्ती करके, कैसे भी करके बहला के फुसला के, लेकिन वो मेरी तरफ को हंस रहा है नहीं निकलूंगा हाँ, ऐसे करने से क्या होता है, निकलो जल्दी, मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी बाहर, देखो मैं जा रही हूँ घूमने के लिए, ऐसे ही उसको मनाना पड़ता है, नहीं तो वो मानता नहीं है।
मजाक नहीं कर रही हूँ मैं, ये कह रहा है मजाक कर रही है क्या, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ, घूमने के लिए जा रही हूँ अभी। हाँ मैं पैदल पैदल जाऊंगी, ये कह रहा है पैदल पैदल जाएगी क्या। हाँ मेरे पैर दुखे कैसे भी हो लेकिन मैं जा रही हूँ, जब आप नहीं निकल। तो जी मिलिए, राइट साइड वाला मामा जी का लड़का है, सबसे छोटे वाले मामा जी का छोटा लड़का, और ये मेरा भाई है मौसी का लड़का, इनका नाम। और हम देख रहे हैं कि हमारे तीनों के शूज बिल्कुल सेम टू सेम है। और ये एक पार्क है जहाँ पे इसमें जू घर भी है, इसमें रैबिट बहुत अच्छे लग रहे थे और सभी लोग उसकी वीडियो बना रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा इनको भी शूट किया है। तो जी मिलिए, यह है मेरे मौसी के बड़े लड़के, इनका नाम है अरुण, मोरने के रहने वाले हैं और सुक्करताल के पास, बहुत फेमस जगह है, बहुत अच्छा तीर्थ स्थान है वहाँ सुक्करताल, और कभी जाएंगे तो आप लोगों को वहाँ भी घुमाएंगे। फिलहाल तो इस शादी में आए हुए हैं और बहुत अच्छा लगा सभी लोगों से मिलेंगे। नहीं यहाँ पे शादी में आए, मामा जी के लड़के की शादी है, बहादुराबाद के अंदर है यहाँ पे हम, और छोटा भाई है यहाँ पे, फैमिली बैठी है हमारी इधर, उधर फैमिली बैठी है हमारी, बच्चे बैठे हैं, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये मौसी का लड़का है छोटे वाला, इनका नाम है नीटू, और ये इनकी वाइफ है, और ये भी शादी में आए हुए हैं मोरने से ही, सुक्करताल के पास से जो है मोरना उनसे आई है। और ये बड़ी भाभी जी है, और ये आपने मिली लिए सबसे छोटी भाभी जी है, और ये बीच वाली भाभी जी, तो ये सब बच्चे हमारे हैं और अपने ही बच्चे हैं, और यहाँ पे खूब इंजॉय कर रहे हैं, और सभी बच्चों का बहुत मन लग रहा है, बहुत ही अच्छा बैंक्वेट हॉल है ये, बहादुराबाद का बैंक्वेट हॉल है। और ये है मेरे बड़े भाई की बड़ी लड़की है, इनका नाम है इंदु, इनसे भी मिलिए आप। और अभी देखिए सब मस्ती कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि सेल्फी लेते हैं, और हमें सेल्फी लेनी है, तो मेरी वीडियो चल रही थी और ये अपने फ़ोन से सेल्फी लेना इन्होंने स्टार्ट कर दिया, और सभी लोग सेल्फी भी ले रहे हैं, ऐसे मौके पर सेल्फी बहुत लेते हैं और अच्छा भी लगता है, फिर देखते हैं बाद में घर जाके कि हम यहाँ पर गए थे। तो चलिए, ये मेरी बड़ी मौसी के लड़के हैं बड़े वाले। बोले 4 बजे से उठकर भी आराम नहीं मिला, आप कहते हैं मम्मी और दीदी के जाने का मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान है लेकिन फिर भी कभी कभी तो जाना पड़ता ही है, क्योंकि मैं तो पहले अभी भी 8 दिन रह करके, 15 दिन के लिए चली गई थी, लेकिन मैं है ना कभी नहीं जाती, बहुत मुश्किल से निकलना होता है उनका, क्योंकि भाई साहब सुबह को जल्दी ड्यूटी जाते हैं, और मैं सुबह सुबह उठ के उनका खाना तो बना ही देती है, और फिर और भी बाकी के काम में थोड़ा सहयोग कर देती है, और जो मैं अपना काम दिखाती हूँ, मैं अपना व्लॉग, मेरा व्लॉग है तो मैं अपना ही काम दिखाती हूँ, वे वैसे भी कैमरे के सामने आने से है ना थोड़ी शर्माती है, इसलिए मैं उनका काम आपको नहीं दिखा पाती। और जी सुबह सुबह है ना कन्नू के पापा आ गए थे अपनी दीदी के यहाँ से, जैसे वे है ना दीदी और जीजू और उनके एक दोस्त है उनके साथ में शादी में गए थे,
और वे वहाँ से नावले चले गए थे डायरेक्ट शादी में से। रात को जो दीदी है मंजो दीदी, नावला जो मंजो दीदी है उनके पास ही चले गए थे, उनके घर पे ही। और फिर वे सुबह सुबह यहाँ पे आ गए थे, घर आ गए थे। तो फिर उसके बाद में उन्होंने नाश्ता वास्ता किया और खाना लेकर के अपना ड्यूटी चले गए। तो ड्यूटी जाने के बाद में मैंने उनके कपड़े एक साइड रख दिया वॉशिंग मशीन के पास ही, और मुझे उनके भी कपड़े धोने हैं क्योंकि एक शादी में और जाएंगे। देखिए ये रहे उनके कपड़े, निकाल के चले गए थे। और जो बाकी के कपड़े हैं, जो नए कपड़े हैं, मैंने धो दिए थे कन्नू के हाथ से ही। कुछ कपड़े मैंने हाथ से धोए हैं और वॉशिंग मशीन में भी नहीं सुखाए, अभी भी गीला है। ये कन्नू की जो जर्सी है और ये मैंने वॉशिंग मशीन में बिल्कुल नहीं डाली क्योंकि सिकुड़ जाती है ये, बहुत ही अच्छी लग रही थी मुझे। और मैंने सिकुड़ने की वजह से वॉशिंग मशीन में नहीं वैसे सुखाई है, लेकिन सूखी नहीं है ये, आज भी कल तक सूख जाएगी। देखिए शाम का समय हो गया है और मुझे यहाँ पे लगाना है कन्नू के लिए बिस्तर। और कन्नू ने अपने शूज निकाल के फेंक दिया इधर उधर, देखिए इस तरह फेंक रहा है। और अभी मोजे भी निकाल रहा है, ये कह रहा है कि मोजे भी निकाल दूंगा मैं। मैं बोल रही हूँ मोजे मत निकालो बेटा। माँ को कैसे मिलेगी, माँ आपको कैसे मिलेगी, माँ जब आप अच्छे अच्छे काम करोगे जब मिलेगी आपको। इसकी माँ चली गई है मामा जी के यहाँ पे, आप सभी को पता है। ये बार बार बाहर जा रहा है, ढूंढ रहा है अपनी माँ को कि माँ मुझे नहीं मिल रही है, यहाँ भी नहीं मिली, वहाँ भी नहीं मिली, और रोता रोता अंदर आता है घर पे जब भी आता है। तो जी इसके तो हालत ख़राब है अपनी माँ के बिना, और वैसे मेरे बिना रह लेता है ये दिन में। रात को तो मेरी बहुत याद आती है, रात को तो मेरे बिना रुक नहीं सकता, लेकिन दिन में रह लेता है। और इसके कन्नू के पापा ने, इसके पापा ने जो है ना, इसके पापा ने जो है माँ से बात करा दी है, और इसको जब से याद आ रही है अपनी माँ की, है ना कर लो। और देखिए यहाँ पे किस तरह खेल रहा है, डालना मत प्लीज। और उस है ना बेड के पीछे इसको कूड़ा डालने में बहुत मजा आता है, और जबकि वहां से निकलता नहीं है बिल्कुल भी, बहुत मुश्किल से कभी कभी पानी डाल के पहले हम निकाल देते हैं। बेड का सिराना जो हमारा है पहले वाला, वो खराब हो गया था पानी डाल डाल करके, तो अब नहीं डालेंगे पानी, अब तो हम झाड़ू से ही निकालेंगे जो निकालेंगे। तो जी देखिए कन्नू के पापा विभोर और मेरे लिए और कन्नू के लिए बर्गर ले आए हैं। तो कन्नू की और विभोर की बर्गर किसके लिए है? बर्गर पार्टी चल रही। ये बर्गर किसका है? और ये वाला बर्गर किसका है? मेरा। और ये मेरे जो हाथ में है ये किसका है? और मम्मी का कहाँ गया? तो अंशी बहुत चढ़ाती रहती है इनको, कभी किसी चीज की डिश की फोटो भेजती है, कभी किसी चीज की फोटो भेजती है। देखो अंशी हम बर्गर खा रहे हैं यहाँ पे। तो जी रात बहुत ज़्यादा हो गई है, तो जी अब कर देते हैं अपने व्लॉग का यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर हमारा व्लॉग आपको अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।